सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए आदेश किए, हिमाचल सरकार इसमें दो कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ कोई स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी गठित नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई कमेटी, सर्वेक्षण नहीं हो पाया, पुनर्वासन उनका नहीं हो पा रहा, तो किसी भी तरह की राहत देने का काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है। यहाँ पर मुझे जानकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि सफाई कर्मियों को उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा। तो मैं जो है मोदी जी भारत को सशक्त कर रहे हैं, कांग्रेस इसीलिए बौखलाई हुई है। गरीब माँ के बेटे को, मोदी को जो एक गरीब माँ थी उसके बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में पचा नहीं पा रहे। पूर्व मंत्री उत्तराखंड एवं सदस्य व मौजूदा समय में केंद्रीय निगरानी समिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने आज कांगड़ा माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में पहुंचकर शीश नवाया व माता का आशीर्वाद प्राप्त। इस अवसर पर उनके साथ मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज राणा विशेष रूप से उपस्थित। इसके उपरांत उन्होंने उज्ज्वल हिमाचल से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के लिए आदेश दिए, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस किसी भी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ रही। हिमाचल के सफाई कर्मचारियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने अभी तक इनका सर्वेक्षण तक नहीं करवाया है, जिसके कारण वह और उनके परिवार अपने अधिकारों से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े सरकारी संस्थानों को आउटसोर्स पर करार दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी आयुष्मान योजना को शुरू किया, जिससे गरीब से गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होने लगा, जबकि कांग्रेस ने शुरू से लेकर आज तक देश को विकसित करने में संवेदनशील नहीं रही। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं और देवभूमि हिमाचल भी है तो बहुत अच्छा लगा। नगर कोट वाली माँ के ब्रजेश्वरी देवी के जो है दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मुझे जानकर अत्यंत पीड़ा हुई है कि सफाई कर्मियों को उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा, आउटसोर्स में बहुत कम पैसा उनको दिया जा रहा है। और हमारे राज्य उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 500 रुपये प्रतिदिन आउटसोर्स सफाई कर्मियों को 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा है। अभी 2 लाख का बीमा भी हमारी सरकार ने जो है सफाई कर्मियों के लिए घोषित किया है। लेकिन हिमाचल को जो स्वच्छ रखने का काम करते हैं, पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग, क्योंकि ये धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर बहुत सारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सभी देवियों के दर्शन आते हैं, तो जो सफाई का काम करते हैं सफाई कर्मचारी अनुसूचित समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, वो लाभान्वित होंगे, जिसका लाभ हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं दे पा रही है। कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए आदेश किए, हिमाचल सरकार इसमें 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ कोई स्टेट मॉनिटरिंग कमेटी गठित नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई कमेटी, सर्वेक्षण नहीं हो पाया, पुनर्वासन उनका नहीं हो पा रहा, तो किसी भी तरह की राहत देने का काम हिमाचल की कांग्रेस सरकार नहीं कर पा रही है। इसके अलावा जो है मैं चाहूँगा कि सरकार को शीघ्र जो वर्षों से लोग काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए सफाई कर्मियों को, और साथ ही उनके लिए अभी हमारे धामी जी ने 10 वर्ष के जो कर्मचारी किसी भी विभाग में काम करते हैं उनको नियमितीकरण करने का भी कैबिनेट में निर्णय ले चुके हैं, और शीघ्र वहाँ अगली कैबिनेट में जो उन्होंने घोषणा की है कट ऑफ डेट उसकी घोषित कर दी जाएगी। उत्तराखंड में चाहे किसी भी श्रेणी का कर्मचारी है जो 10 वर्ष पूरी कर चुका है उनको नियमितीकरण करने का कार्य भी उत्तराखंड की धामी सरकार कर रही है। 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया, आने वाले समय में जो वायदा है, हमारा संकल्प है मोदी जी का, भारत को दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का है। आने वाला समय भारत का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। जो हमारा शताब्दी वर्ष होगा 2047 में, तो भारत विकसित होगा, उस दिशा में मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों के कल्याण की बात हो, चाहे अनुसूचित के, चाहे महिलाओं के कल्याण की बात हो। उज्ज्वल हिमाचल के लिए कांगड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. Rainbow International School,
is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organized many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provide German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Tinkering Lab. Awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have Him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.